प्लान तो हमारा था कि हम जाएंगे एक्टिवा पे और जा रहे, लेकिन अभी गाड़ी में क्योंकि बारिश बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। रूट हमारा ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम जाएंगे कचीगाम, कचीगाम से फिर आगे निकलेंगे कलगाम, कलगाम से उमरगांव, उमरगांव से होके बोटी, बोटी से फिर गोलवड और गोलवड से फिर चिकला और फिर आता है दानू। देखेंगे कहाँ तक पहुँच सकेंगे, इसमें से कौन से चेक पॉइंट तक देखते हैं फिलहाल। तो हम और वो पहले लोग हैं जिनको स्कूटी से गाड़ी होने का दूर करते खुशी होती है कि हाँ चल गाड़ी में। हाँ वही तो अपना यही गाड़ी में, वैसे भी अभी आजकल गाड़ी में ही बहुत घूम रहे, तो यार जैसे जैसे मजा, सोचा था स्कूटी पे घूमेंगे संडे को। बताओ कमेंट में मुझे कोई जिसको स्कूटी पे घूमना पसंद है हमारे जैसे। ये हमने जस्ट जमन बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, अभी वी आर बैक इन गुजरात और रास्ते पे जाते जाते इतना अच्छा ग्रीनरी और ब्यूटीफुल सीनरी दिखेगा आपको। और रैपर, रैपर हर्ष, रैपर बॉय, रैपर बॉय, रैपिंग इज माय पैशन, वो आता ना आई एम अ रैपर, वो कौन सा था वो डीजे, डीजे आई एम अ डीजे, रिमल की अनबॉक्सिंग भी करता हूं। हां मैं डीजे पर रैपर हियर, आज सिखाऊंगा ये रिमोट का चाबी कैसे बनाते हैं। तो अब हम अभी यहाँ पर एक जगह पर रुके हैं, आपको मैं सीन दिखाता हूँ। ये पीछे पूरा लेक है, ये जो व्यू है ये आपको टूवर्ड्स कलगाम दिखेगा। अभी ये जैसे इसके बाद अभी आएगा कलगाम जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, सैटरडे को वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और पूरा कोस्टल हाईवे है ये। हो गया हो गया, हाँ संडे का, हाँ बस बस हो गया हो गया। अभी हम लोग ये पॉइंट पे है, यहाँ पर जो ये ब्रिज है वो उमरगांव को कनेक्ट करता है ये नारगोल एरिया से, तो एट दी राइट साइड इट इज नारगोल और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स उमरगांव। उमरगांव हम लोग क्रॉस करके फिर जाएंगे बोटी जो कि है महाराष्ट्र में। तो ये ब्रिज से एक व्यू दिखाऊंगा आपको, बहुत सही व्यू आता है यहाँ से। यहाँ पर ये साइड पे देख सकते हो, वहां पर उसके पीछे है बीच, उमरगांव बीच आएगा वहां पर, उसके बीच में भी ये है खाड़ी बोलते हैं। ये है जो मैं पोज देता हुआ ऐसे ही फोन पे बात करता है। क्या फोटोज हो गए हमारे ये जगह के, अब जाते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। ये रूट पे मतलब काफी अच्छी सीनरी दिखेगी, इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ यू कैन विजिट दमन टू धानू अगर कहीं दूर नहीं जाना हो तो। अच्छा मजा आएगा, फोटो खींचते खींचते जाओ संडे को मस्त मॉर्निंग में निकलो और पूरा दिन भर ऐसे ही क्लाइमेट रहता है ये रोड पे, काफी मजा आएगा। तो ये है बोडी गांव, यहाँ पर जैसे ये गांव का थोड़ा एरिया खत्म होता है, मतलब जो रेसिडेंस एरिया है वो खत्म होते से ही आपको एक आगे काफी अच्छा एक व्यू आ जाएगा, बोटी बीच आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ये बोटी बीच के एरिया में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो सब कॉलेजेस है और
और राइट हैंड साइड पे है पूरा बीच व्यू, आपको रिजॉर्ट और होम स्टे अगर आपको यहाँ पर करना हो तो होम स्टे और रिजॉर्ट भी अवेलेबल है यहाँ पर। और इट्स जस्ट कितने किलोमीटर है मुंबई से, कितना होगा 70-80 किलोमीटर है ये मुंबई से, और वापिस से अराउंड 60 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर है वापिस से। और यहाँ पर देखो ये है पूरा बीच, और बराबर यहाँ पर आगे साल में एक बार चिकू फेस्टिवल होता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, वो यहाँ पर कहीं पर होता है। तो ये हम पहुँच चुके हैं चिखला के पास, और यहाँ पर ये देखो पूरा अभी मेरे राइट हैंड साइड पे पूरा बीच रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है लोग रह रहे गांव है जो वो रहेगा। तो ये पूरा रोड वैसा ही है ये कोस्टल वे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप बाइक पे आओ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आज तो सुबह बारिश था, हम निकलने वाले थे तब, और जैसे 2-3 किलोमीटर आगे निकले उसके बाद बारिश ही बंद हो गया, तब अच्छी खासी धूप निकली हुई है यहाँ पर। और ये पूरा राइट हैंड साइड पे बीच है, पानी ही पानी, बहुत बहुत सही व्यू आ रहा है, ये परफेक्ट संडे। तो हम अभी ये उतरे हैं गाड़ी से, यहाँ पर वड़ा पाव लेने आए हैं, और वड़ा पाव सेंटर के पीछे जो वड़ा पाव स्टॉल है उसके पीछे का व्यू आप देखो। तो आ गए हमारे वड़ा पाव, समुद्री वड़ा पाव। गाड़ी इधर अंदर पार्क कर दी है पेड़ों के बीच में, चेक दिस आउट, यहाँ पर मस्त फुल पेड़ ही है, पेड़ ही है यहाँ पर एकदम। और वहां से हम एंटर हुए थे, और यहाँ पर है सामने बीच जिधर हमने गाड़ी पार्क कर दी है। ये देखो ये दिखाना हो कैसे
कैसा है, कैसे एंजॉय कर सकते हो, आप भी जा सकते हो, तो उसे जरूर ये वीडियो दिखाओ और लाइक शेयर, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो। चलो तो इसके साथ ओके टाटा।